हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो वाले, कसकाई, केमो नाचो, कैसे हो आप सभी। सो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल फ्रीकी ट्रैवलर पे। तो वेलकम बैक टू येट अनदर ट्रैवल सीरीज, और हम आ पहुंचे हैं आपके पास एकदम नई इंटरनेशनल ट्रैवल सीरीज लेके। तो अब तक आपने देखा होगा हम लोग कॉलेज वीडियोज डाल रहे थे, तो नया टाइम, नई डेस्टिनेशन हमने चूज करी है। तो अब से हम एक पूरी नई ट्रैवल सीरीज शुरू करने वाले हैं, और शुरू होने वाली है, ये हमारी 13 कंट्री है, बट इस चैनल पे हमारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज में। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। तो ये तो हो गया, पूरा इमिग्रेशन चेक हो गया, सिक्योरिटी हो गया, वेब चेक इन सब हो गया अच्छे से। तो अब बस इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे ड्यूटी फ्री के लिए, और वहाँ पे अच्छे से एक एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं जो मेन अट्रैक्शंस होती हैं, जहाँ पे एक जो भी टूरिस्ट होता है वो जाना चाहता है, जिसमें कि परफ्यूम्स होते हैं खाने पीने के और मेन चॉकलेट्स होती हैं। तो ये सब अच्छे से कवर करने वाले हैं, उसके बाद निकलेंगे हम लोग सीधा बोर्डिंग गेट्स की तरफ। तो निकलते हैं यहाँ से, जुड़े हैं हमारे साथ इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन हनोई पहुंच चुके हैं। सो वेलकम टू हनोई, वेलकम टू वियतनाम, हमारी 13 कंट्री और इस चैनल पे पहली इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। सो बस अभी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, अब यहाँ पे जाएंगे, सामान लेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो सारा प्रोसेस आपको एकदम अच्छे से दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, यहाँ पे एकदम हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, और आप देख ही सकते हैं पीछे हमारे लाइन से टैक्सीज खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कोई भी प्राइवेट टैक्सी लेके जा सकते हैं, या फिर जो उनकी बसेस चलती हैं वो लेके जा सकते हैं। और अगर आपको बसेस लेके जाना है तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट के जो पिलर नंबर 2 है वहाँ पे आना पड़ेगा, और सिटी सेंटर के लिए बस जाती है बस नंबर 86, तो उसके लिए आपको आना पड़ता है। उसकी टाइमिंग्स रहती हैं, एवरी 30 मिनट्स पे एक बस चलती है हर आधा घंटे में, और प्राइस ऑब्वियसली बसेस का कम रहता है, टैक्सीज का ज़्यादा रहता है। तो हम लोग बस से जाने वाले हैं, तो अभी एक एक चीज़ आपको अच्छे से कवर करके दिखाने वाले हैं, क्या होना है, कैसे होना है। तो बस स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, लेट्स गो। तो एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया अभी तक कि हम लोग होटल पहुंच चुके थे, और काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, तो अच्छे से रेस्ट करके अब एकदम घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं अपने होटल का जो एकदम ओपन स्काई बार है उसको, और अभी हम लोग उसी जगह पर हैं, तो आसपास आप देख सकते हैं बहुत अच्छा नज़ारा हो रखा है, बारिश हो रही है थोड़ी बहुत। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे नाइट मार्केट घूमने के लिए, और बाकी सारी मस्ती करेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड।
हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमारे पीछे है पूरी हनोई की जब फेमस ट्रेन स्ट्रीट। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग अपनी पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन हनोई में जो कि हम कवर कर रहे हैं वो है ट्रेन स्ट्रीट। तो एकदम ठीक टाइम पे पहुंच चुके हैं। अभी बस कुछ ही समय में 5 से 10 मिनट में ट्रेन आने वाली होगी, तो आपको पूरा यहाँ का अच्छे से दिखाएंगे। तो बस जुड़ रहे हैं सिनेमैटिक सीरीज, स्टे ट्यून्ड और एंजॉय दिस होल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों देखिए, ट्रेन सीट वाला तो सारा सब कुछ हो चुका है और इतने अच्छे से हमने आपको सब कुछ दिखाया। ट्रेन सारी थी, आशा है कि आपको एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और बस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के नाइट मार्केट में घूमने के लिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो बस अब आपको नाइट मार्केट दिखाते हैं यहाँ का। स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। तो भाई पहुँच चुके हैं नाइट मार्केट। अब आपको यहाँ पे एक एक अच्छे से शॉप दिखाने वाले हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लोर करना, लेट्स गो। तो भाई देखो, इतना सारा घूमने के बाद हम लोग आ पहुंचे हैं हनोई की फेमस बियर स्ट्रीट पे। तो पीछे देख सकते हो पूरी जो स्ट्रीट है, इसी को कहते हैं यहाँ की बियर स्ट्रीट। तो बस इसको अभी साथ में एक्सप्लोर करते हैं। जुड़े रहे इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।